नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्य को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इमरान खान ने पाकिस्तान संसदीय समिति की बैठक बुला ली है। पाकिस्तान ने भारत को गिदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत ने बहुत बड़ा खेल खेला है, समूचे इलाके पर इसका उससे भी बड़ा असर हो सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने बहुत खतरनाक खेल खेला है, समूचे इलाके में इसका घातक असर हो सकता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर मसले को समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं, जबकि भारत सरकार के इस फैसले से समस्याओं को और जटिल बना दिया है। अब कश्मीरियों पर पहले से ज्यादा पहरा बिठा दिया गया है। हमने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र को बता दिया है। हमने इस्लामिक देशों को भी इस बारे में सूचित कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद में पाकिस्तान एक कथित पक्षकार के तौर पर भारत के इस कदम को खत्म करने के लिए संभावित उपायों को आजमाएगा। पाकिस्तान ने कहा कि सभी मुसलमान मिलकर कश्मीरियों के लिए दुआ करें। पाकिस्तान पूरी तरह कश्मीरियों के साथ है। मतलब जब पीडीपी के दो छिछोरे सांसद तैमंद की बजाय कुर्ते फाड़ रहे थे, यह उसी वक्त एहसास हो चुका था कि भारत के पवित्र मंदिर में पाकिस्तानी छाप की एंट्री अब कभी इस पवित्र मंदिर को दूषित नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान परस्त ऐसे छिछोरों ने देश में गंदगी फैला रखी थी, जिसे साफ करना मोदी सरकार के लिए जरूरी था, पर यह गंदगी अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। इस गंदगी का उद्गम जहां से होता है, एक ऐसा ही प्रार वहां भी जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस अप्रत्याशित फैसले ने जनता की आकांक्षाओं को काफी बढ़ा दिया है। यानी जंगली कुकर अभी भी भौंक रहे हैं, वह भी तब जबकि घर में खाने को दाने नहीं और इन्हें पैदा करवाने वाली दाई के पैसे आज तक यह चुका नहीं पाए। वैसे भी जिस खतरनाक खेल की ढपली इमरान खान बजा रहे हैं, उसे खेलने के लिए भारत खुद तैयार है। इसका नजारा नियंत्रण रेखा पर इन मदरसा छाप की सड़ती लाशों से देखा जा सकता है। इमरान खान ऐसे मीटिंग कर रहे हैं मानो वह बड़ा तीर लिए बैठे हैं। उन्हें यह भी याद रखना होगा कि बकरा ईद सिर पर है, कहीं ऐसा ना हो गए थे बकरे की पूंछ गिनने, अपनी भी तुड़वा बैठे। अब कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जहां मोदी सरकार का वह वादा पूरा होने जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को घाटी में घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। जिस कश्मीर की बात पाकिस्तान करता था, 9:30 बजे वह इतिहास बन चुका है। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत एक ध्वज और एक संविधान है। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से यह भी साफ हो गया है कि अब पीओके पर ही बात हुआ करेगी। मतलब पाकिस्तान का असली दर्द यही है कि अब वह किस कश्मीर पर भारत से बातचीत कर सकेगा। मोदी की बड़ी नीति यही है कि उन्होंने जहां कश्मीर मुद्दे का उचित और अप्रत्याशित समाधान निकाला, वहीं पाकिस्तान को भी चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों और संयुक्त राष्ट्र के कदमों में पड़ा सजदे कर रहा है, पर उसके सब दांव फेल हो जाने वाले हैं। मुस्लिम देशों पर मोदी पहले ही अपना शिकंजा कस चुके हैं। भारत द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के आयात से कई देशों की रोटी चल रही है। उनका भारी निवेश भारत में कराकर उनके मुंह पर ताले लगा दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। कोई भी देश ऐसे मसले पर बोलने के लिए 10 बार सोचेगा। दुनिया में बहुत से देश हैं जो अलगाववाद से रूबरू हैं। चीन का तिब्बत मसला भी ऐसा ही एक मुद्दा है, इसलिए चीन बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। वैसे भी मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लेने से पहले किसी भी परिस्थिति से निपटने की तैयारी की है। मोदी सरकार को पता है कि उनके द्वारा उठाए गए कदम से अंतर्राष्ट्रीय जगत की कैसी प्रतिक्रिया या सवाल आ सकते हैं। पाकिस्तान जैसा गधैया देश कैसा नाच कर सकता है। सरकार इसकी पूरी तैयारी करके बैठी है। राजनयिकों को 1 सप्ताह पहले ही सक्रिय कर दिया गया था। उन्होंने अपना काम बाखूबी निभाया है, अन्यथा 1 हफ्ते से कश्मीर में मोदी सरकार जिस प्रकार शिकंजा कस रही थी, दुनिया की कड़ी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था। पर यह पाकिस्तान है जो बिलबिला रहा है। खास बात यह है कि आज यह मुल्क बिलबिलाता हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके तैमंद पर छपा चांद इसके पिछवाड़े को चमका रहा है, जहां केवल सन्नाटा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।